तो बात कर लेते हैं आज की बड़ी खबर की, जहां सबसे पहले बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी ने इधर लगाया जय फलस्तीन का नारा, तो उधर इजरायली राजदूत ने कर दिया बहुत बड़ा दावा, मच गया बवाल। बताएंगे क्या दावा किया दोस्तों। तो वहीं नेपाल को एक बार फिर फांसने की तैयारी में है चाइना, इस बार कौन सा लॉलीपॉप थमाया वो भी आपको बताएंगे। तो वहीं बताएंगे इस बार 10 भारतीय मछुआरों को श्रीलंका ने जरूर पकड़ा है दोस्तों, लेकिन जो हम आपको खबर बताने वाले हैं वाकई में आपको चौंका देगा। अब श्रीलंकाई नौसेना इन 10 भारतीय मछुआरों पर बहुत बड़ा केस चलाने वाली है दोस्तों, बताएंगे क्या है कारण। तो वहीं आपको बताएंगे क्या डिप्टी स्पीकर का भी पद रखेगी एनडीए, इस नाम की है चर्चा, क्या फिर भी विपक्ष कर सकता है बवाल। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बस आप निश्चित होकर के वीडियो का अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले निरंतर अपने भारत देश का विकास चाहते हैं तो सामने लाइक के बटन ने लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां असदुद्दीन ओवैसी ने इधर लगाया जय फलस्तीन का नारा संसद में, तो उधर इजरायली राजदूत ने कर दिया बड़ा दावा, मच गया बवाल। जी हां, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा के अंदर जय फलस्तीन का नारा क्या लगाया, जिसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। इसको लेकर विवाद भी जमकर हो रहे हैं और उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज हो गई है दोस्तों। इन सब के बीच इजरायल के पूर्व राजदूत ने एक ऐसा दावा कर दिया जिसको लेकर बवाल मच गया। भारत में इजरायल के पूर्व राजदूत डेनियल कारमोन ने इजरायली मीडिया को दिए इंटरव्यू में दावा किया है कि हमास के साथ चल रहे युद्ध में भारत ने बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद देकर इजरायल की मदद की है। भारतीयों ने हमें याद दिलाया है कि कारगिल युद्ध के दौरान इजरायल भारत के साथ खड़ा था। दरअसल इजरायल उन देशों में से था जो उस दौरान भारत के साथ खुलकर सामने आ गया था और हथियार मुहैया करवाए थे। भारतीय इसको नहीं भूलते हैं और संभवतः वो इसका एहसान चुका रहे हैं दोस्तों। अब इजरायल के इस राजनयिक के इस खुलासे पर जहां एक तरफ भारत और इजरायल की दोस्ती की तारीफ हो रही है तो वहीं इसको लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। आलोचकों का कहना है कि भारत युद्ध अपराध के दोषी इजरायल को हथियार कैसे मुहैया करा सकता है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब इजरायल हमास के युद्ध के बीच भारत की इस मदद की चर्चा की जा रही है। इससे पहले स्पेन के विदेश मंत्री ने भी कुछ इसी तरह का दावा किया था। जी हाँ, अब ऐसे में इजरायली राजदूत ने जो ये दावा किया है कि भारत उसको हथियार मुहैया करा रहा है, कारगिल का एहसान चुका रहा है भारत इजरायल को, ऐसे में फलस्तीन वाले मुद्दे पर पूरी दुनिया में ये बात गर्मा गई है, बवाल मच गया है। तो वहीं आपको बता दें श्रीलंका में नहीं गली दाल तो चीन, अब नेपाल में चल रहा भारत के खिलाफ नई चाल, नेपाल को एक बार फिर फांसने की तैयारी में है चाइना, आखिर इस बार कौन सा लॉलीपॉप थमा रहा है नेपाल को। आपको बता दें चीन लगातार नेपाल को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, इसके लिए चीन तरह तरह के हथकंडे भी अपना रहा है, इस जिसमें BRI जैसे उपक्रम प्रमुख हैं। पिछले साल 15 मार्च को चीन ने कोविड महामारी के दौरान 3 साल की नाकेबंदी को समाप्त करते हुए यात्रा के लिए अपनी सीमाओं को फिर से खोल दिया। जैसे ही चीन की सीमाएं खुली और पोखरा में चीन के पैसों से बने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ, नेपाल की उम्मीदें बढ़ गई। महामारी के पहले बाजार की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञों ने चीनी पर्यटकों की संख्या में नाटकीय उछाल की भविष्यवाणी कर दी थी, जो COVID-19 महामारी से पहले भारत के बाद नेपाल का दूसरा सबसे बड़े पर्यटकों का स्रोत था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोमवार को काठमांडू में आयोजित नेपाल चीन राजनयिक परामर्श तंत्र के 16वें दौरे की बैठक के दौरान बीजिंग ने एक आश्चर्यजनक घोषणा कर दी। बीजिंग ने 2025 को चीन में नेपाल भ्रमण वर्ष के रूप में मनाने के हिस्से के रूप में चीन में नेपाली पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना की घोषणा कर डाली, जिसको नेपाल के शीर्ष यात्रा व्यापार उद्यमी एक बड़ा बयान कहते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने पहले कभी चीन को इस तरह की सॉफ्ट पावर कूटनीति वाले देश किसी देश का पक्ष लेते हुए नहीं सुना था। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको याद होगा 28 अप्रैल को काठमांडू में आयोजित तीसरे नेपाल निवेश शिखर सम्मेलन के दौरान चाइना ने नेपालियों के लिए वीजा भी फ्री कर दिया था, जो कि लुभावने का एक बहुत बड़ा प्लान तैयार कर रखा है चाइना ने दोस्तों। अब नेपालियों को लुभाने के लिए उसने चीन में नेपाल भ्रमण वर्ष बना दिया, जो नेपालियों को बहुत ज्यादा भाता और बड़ा बयान लग रहा है चीन का। यानी कि दोस्तों श्रीलंका में नहीं गली उसकी दाल तो चीन ने नेपाल में चल दिया भारत के खिलाफ बड़ी और नई चाल, इस पर आपकी राय तो बनती है। तो वहीं आपको बता दे 10 भारतीय मछुआरों पर लगेगा श्रीलंकाई नौसेना के एक नाविक की मौत का आरोप। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब तक आपने बहुत सारी हमारी खबरें सुनी होंगी जहां पर हमने आपको बताया होगा कि श्रीलंका ने लगातार भारतीय मछुआरों को पकड़ा है, लेकिन आज जो ये खबर आ रही है बड़ा ही अलग और हैरान कर देने वाला है। श्रीलंका की समुद्री सीमा में अवैध रूप से मछली पकड़ने के आरोप में सोमवार को गिरफ्तार किए गए 10 भारतीय मछुआरों पर नौसेना के एक नाविक की मौत का आरोप लगाया जाएगा। जी हाँ, मछुआरों की नाव को जब्त करने के अभियान के दौरान इस नाविक की मौत हो गई थी, अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। श्रीलंकाई नौसेना की ओर से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि
नौसेना के विशेष बोट स्क्वाड्रन के एक वरिष्ठ नाविक को भारतीय नौका के आक्रामक व्यवहार और नाव के जब्त करने के विरोध करने दौरान गंभीर चोटें आई। इसमें आगे कहा गया है कि वरिष्ठ नाविक को जाफना के टीचिंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। श्रीलंकाई नौसेना ने बताया कि सोमवार को 10 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया गया और उनकी मछली पकड़ने वाली नौका को जब्त कर लिया गया। मछली पकड़ने वाली नौका को कांग के संतुराई बंदरगाह पर लाया गया और मछुआरों को कानूनी कार्रवाई के लिए मेलाडी मत्स्य निरीक्षक को सौंप दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपका क्या टेक होने वाला है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर इन 10 भारतीय मछुआरों पर केस चलेगा दोस्तों, तो निश्चित तौर पर ये श्रीलंकाई पुलिस के गिरफ्त में रहेंगे। इस पर आपका कहना क्या है दोस्तों, बताना मत भूलेगा। तो वहीं बता दें, पन्नू मामले में भारत की जांच के नतीजों का इंतजार कर रहा है अमेरिका। अमेरिका ने भारत पर फिर बढ़ाया दबाव। दरअसल अमेरिका ने कहा है कि वो अपने देश में सिख अलगाववादी गुरु पंतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित नाकाम साजिश में एक भारतीय अधिकारी के शामिल होने के आरोपों की भारत की जांच के नतीजों का इंतजार कर रहा है। पिछले साल नवंबर में अमेरिकी संघीय अभियोजकों ने भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर न्यूयॉर्क में पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश में एक भारतीय सरकारी कर्मचारी के साथ काम करने का आरोप लगाया था। आतंकवाद के आरोपों में भारत में वांछित पन्नू के पास अमेरिका और कनाडा की दोहरी नागरिकता है। गुप्ता को पिछले साल जून में चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था और 14 जून को प्रत्यर्पित करके अमेरिका लाया गया था। तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तानी शहर में अचानक 22 अज्ञात लाशें मिलने से फैल गई सनसनी। रहस्यमयी मौतों को लेकर हाई अलर्ट जारी। बता दें, पाकिस्तान के एक शहर के अलग अलग हिस्सों में 22 अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई है। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को 5 नए शव मिलने के बाद स्थिति और ज्यादा खराब हो गई, जिससे इन रहस्यमयी मौतों को लेकर चिंता बढ़ गई और हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान में छिपा वेलफेयर एसोसिएशन, जो कि एक गैर लाभकारी कल्याण संगठन है, उसके अनुसार नवीनतम पीड़ितों में से 3 नशे के आदि प्रतीत होते हैं। हालांकि संगठन के स्वयं सेवकों के प्रयासों के बावजूद 22 शवों में से किसी की भी अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। दोस्तों, एकदम से 22 अज्ञात लाशें मिलना वाकई में चौंकाने वाली बात तो है ही। तो वहीं बता दें, अमेरिका से मुकाबले के लिए दैत्याकार एयरक्राफ्ट करियर बनाएगा रशिया। सुखोई 57 से होगा लैस। जी हाँ, रशिया अब अमेरिका का मुकाबला करने के लिए एक शक्तिशाली यानी पावरफुल नौसेना बनाने जा रही है। इसके लिए रूसी नौसेना के एक स्टिल्थ एयरक्राफ्ट करियर बनाने की योजना बना रही है। ये एयरक्राफ्ट करियर 90,000 टन के विस्थापन वाला होगा, जो आकार में अमेरिकी सुपर कैरियर के बराबर होगा। इस एयरक्राफ्ट करियर पर स्टिल्थ तकनीक से लैस सुखोई Su-57 लड़ाकू विमानों को तैनात किया जाएगा। रूसी नौसेना के मुख्य स्टाफ के पूर्व उप प्रमुख सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल व्लादिमीर पेपेलियाव ने कहा है कि नौसेना को इस आकार के एक एयरक्राफ्ट करियर की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अपने पद से सेवानिवृत्त होने के बाद वाइस एडमिरल को क्रिलोव रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक विमान वाहक विकसित करने का काम सौंपा गया था। तो वहीं बता दें, भारत पर धार्मिक भेदभाव का आरोप, मोदी सरकार पर अमेरिकी दबाव की क्या है इनसाइड स्टोरी। बता दें, अमेरिका ने भारत पर धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाया है। दरअसल अमेरिका के विदेश विभाग ने साल 2023 के लिए धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में भारतीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ होने वाले हिंसा का जिक्र किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इस रिपोर्ट को जारी करते हुए विशेष तौर पर भारत का नाम लिया है। भारत के खिलाफ ब्लिंकन का बयान मोदी 3.0 में अमेरिका द्वारा देश पर आरोप लगाने का पहला उदाहरण है। ब्लिंकन ने बिना नाम लिए मोदी सरकार और बीजेपी पर मुस्लिम और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बुधवार को कहा है कि भारत में धर्मांतरण विरोधी कानूनों, अभद्र भाषा, अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों के सदस्यों के घरों और पूजा स्थलों को ध्वस्त करने में चिंताजनक वृद्धि हुई है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अमेरिकी राजदूत रशद हुसैन ने भारतीय पुलिस पर ईसाइयों को निशाना बनाने के दौरान मूक दर्शक बने रहने का भी आरोप लगाया है। जी हाँ दोस्तों, तो देखा आपने, अमेरिका भारत जैसे इतने बड़े लोकतंत्र देश पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहा है कि भारत में अल्पसंख्यक सिक्योर नहीं है, भारत के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, जिन देशों पर ये इल्जाम लगाए जाने चाहिए, जो वाकई में भेदभाव कर रहे हैं, अल्पसंख्यक पर अत्याचार कर रहे हैं, उनको अमेरिका कुछ नहीं कह रहा, लेकिन भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। आखिर चाहता क्या है अमेरिका, क्यों वो पाकिस्तान के मुद्दे पर चुप बैठा है, जबकि पाकिस्तान से क्लियर वीडियोस आए दिन नजर आती हैं कि कैसे अल्पसंख्यकों को दबाया जाता है, उनका धर्मांतरण करवाया जाता है, उनको जबरदस्ती कलमा पढ़ाया जाता है। ऐसे में क्या लगता है दोस्तों आपको, इस अमेरिका के दोहरे चरित्र पर आपका क्या कहना है बताइएगा जरूर। डबल स्टैंडर्ड जो ये फॉलो कर रहा है अमेरिका, इस पर अपनी राय अवश्य दीजिएगा आप लोग। तो वही बता दें, जिनपिंग का भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा एक्शन, चीन ने 2 पूर्व रक्षा मंत्रियों को कम्युनिस्ट पार्टी से निकाल
वाला। जी हाँ, चीन के पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू पर बड़ी कार्रवाई, भ्रष्टाचार के आरोप में कम्युनिस्ट पार्टी से निकाल दिए गए बाहर, बता दें। चीन के पूर्व रक्षा मंत्री रहे ली शांगफू पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। तमाम आरोपों के बाद शांगफू को चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। इसके साथ ही उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने गुरुवार को अनुशासन का उल्लंघन करने और कानून तोड़ने के मामले में शांगफू के खिलाफ यह फैसला लिया। जी हां, बताया गया है कि शांगफू ने गंभीर रूप से कानून का उल्लंघन किया और अपने पद का फायदा उठाया। आरोप है कि अपना हित साधने और दूसरे संस्थानों को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने बड़ी मात्रा में रिश्वत ली। जांच में यह भी पाया गया है कि शांगफू ने खुद को और दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए कानूनों का उल्लंघन किया है। तो वहीं बता दें, अफगानिस्तानी महिलाओं के साथ जुर्म पर सख्त हुआ यूनाइटेड नेशन, कहा तालिबान को एक सरकार के तौर पर कभी भी मान्यता देना अभी के हिसाब से असंभव है। जी हां, अफगानिस्तान में महिलाओं पर ढाए जा रहे जुल्मों को लेकर संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन बेहद ज्यादा सख्त हो गया है। यूनाइटेड नेशन की राजनीतिक प्रमुख ने अफगानिस्तान के तालिबान शासकों और लगभग 25 देशों के दूतों के बीच होने वाली पहली बैठक में अफगानिस्तान की किसी भी महिला प्रतिनिधि को शामिल न किए जाने की तीखी आलोचना का जवाब देते हुए बुधवार को कहा है कि हम बैठक के प्रत्येक सत्र में महिला अधिकारों का मुद्दा उठाएंगे। संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव रोज मेरी डिकार्लो ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि रविवार से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक एक प्रारंभिक प्रयास है जिसका उद्देश्य तालिबान को अपने पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहने, अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और मानवाधिकारों का पालन करने के लक्ष्य पर जोर देना है। ऐसे में आपने भी लगातार अफगानिस्तान से आए वीडियोस देखे होंगे दोस्तों ट्विटर पर, जहां पर महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। सरिया कानून के तहत उनको बीच में बैठा करके कोड़े बरसाए जा रहे हैं। उनको शिक्षा लेने के लिए स्कूल तक नहीं भेजा जाता है, उनकी पढ़ाई रोक दी गई है, हर तरीके से उन पर अत्याचार किया जाता है। ऐसे में अगर आप भी मानते कि यूनाइटेड नेशन ने यह फैसला तो वाकई में बेहतर लिया है तो राय जरूर दीजिएगा आप लोग दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री राजपक्षे बीजिंग के लिए हुए रवाना, ऋण पुनर्गठन समझौते पर चीन के शीर्ष नेताओं से करेंगे मुलाकात। दरअसल श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे गुरुवार को बीजिंग के आधिकारिक दौरे पर रवाना हुए। राजपक्षे चीन के साथ द्विपक्षीय के ऋण पुनर्गठन समझौते पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री ली कियांग और विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात करेंगे। चीन श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता है। साल 2022 में द्विपक्षीय ने जब डिफॉल्ट होने की घोषणा की थी, बीजिंग उसके कुल बाहरी कर्ज का 52% बोले तो 40 अरब अमेरिकी डॉलर का हिस्सा है। द्विपक्षीय के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने बुधवार को घोषणा किया है कि भारत और चीन समेत द्विपक्षीय ऋणदाताओं के साथ ऋण पुनर्गठन समझौतों को पेरिस में अंतिम रूप दे दिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें, ब्रिटेन से बड़ी खबर, जहां ऑक्सफोर्ड यूनियन में सीजेआई चंद्रचूड़ का बयान, कहा 24 साल के कार्यकाल में कभी सियासी दबाव का सामना नहीं करना पड़ा भारत में। जी हां, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई ने गुरुवार को न्यायपालिका में विधायिका के किसी भी दखल की आशंका का खारिज किया है। उन्होंने कहा कि न्यायाधीश के रूप में अपने 24 साल के कार्यकाल में उन्हें कभी किसी सरकार से किसी राजनीतिक दबाव का सामना नहीं करना पड़ा। ये बात उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनियन की ओर से आयोजित सत्र के दौरान एक सवाल के जवाब में कही। सीजेआई ने कहा कि भारत में न्यायाधीशों को विवादों पर इस तरह से फैसला करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है कि अदालतें मौजूदा भावनाओं के विपरीत संवैधानिक परंपराओं के आधार पर फैसले ले सके। तो वहीं आपको बता दें, चांद की मिट्टी पृथ्वी पर लाया चाइना, दुनिया भर के वैज्ञानिकों को बुलाया लेकिन अमेरिका को लेकर क्यों दे दिया ऐसा बयान। आपको बता दें, चीन के चांगे 6 अंतरिक्ष यान हाल ही में चंद्रमा के सुदूर क्षेत्र से चट्टान और मिट्टी को लेकर वापस पृथ्वी पर लौट आया है। चंद्रमा के सुदूर क्षेत्र तक पहुंचने और वहां से मिट्टी व चट्टान के नमूने लाने का यह पहला अभियान था। आपको बता दें कि इससे पहले अगस्त 2023 में भारत का चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर उतरा था। भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन गया था। अब चीन ने कहा है कि चांग-6 द्वारा जुटाए गए चंद्रमा के नमूनों के अध्ययन के लिए वो दुनिया भर के वैज्ञानिकों का स्वागत करता है, लेकिन रिसर्च की इस प्रक्रिया में कुछ सीमाएं हैं, विशेष रूप से अमेरिका के साथ। उन्होंने कहा कि चीनी अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका के साथ कोई भी सहयोग इस पर निर्भर करेगा कि वो नासा के साथ प्रत्यक्ष द्विपक्षीय सहयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले अमेरिकी कानून को हटाए तब। जी हां दोस्तों, तो वहीं बता दें, पाकिस्तान के करतारपुर साहिब में स्थापित की गई महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा, भारतीय सिख समुदाय भी अनावरण में हुआ शामिल। बता दें, सिख साम्राज्य के पहले शासक महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा का बुधवार को करतारपुर साहिब में 450 से अधिक भारतीय सिखों की उपस्थिति में अनावरण किया गया। बता दें कि उनकी प्रतिमा को धार्मिक चरमपंथियों ने पहले क्षतिग्रस्त कर दिया था।
प्रतिमा को फिर से निर्मित कराकर स्थापित किया गया है। पाकिस्तान और भारत के सिख समुदाय के सदस्यों ने सम्राट की स्थापित प्रतिमा के सामने तस्वीर खिंचवाई। पंजाब के पहले सिख मंत्री और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष रमेश सिंह अरोड़ा ने प्रतिमा का उद्घाटन किया। तो वहीं आपको बता दें, डीआरडीओ ने बनाया एक और मील का पत्थर। अभ्यास का छठा परीक्षण हुआ सक्सेसफुल, यानी कि सफल। जी हाँ, अभ्यास आखिर क्या है? अभ्यास एक स्वदेशी रूप से विकसित हीट है जिसे विभिन्न प्रकार के हथियार प्रणालियों जैसे कि मिसाइलों और वायु रक्षा प्रणालियों के परीक्षण व मूल्यांकन के लिए लक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाता है। ये उच्च गति, उत्कृष्ट गतिशीलता और यथार्थवादी रडार हस्ताक्षर प्रदान करता है जो इसे वास्तविक खतरों का अनुकरण करने के लिए आदर्श बनाता है। आपको बता दें, इन सफल परीक्षणों का भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास कार्यक्रम के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण महत्व है। आत्मनिर्भरता की बात करें तो यह स्वदेशी तकनीक का प्रदर्शन करता है जो भारत को रक्षा उपकरणों के लिए विदेशी निर्भरता को कम करने में मदद करता है। ये परीक्षण हीट प्रौद्योगिकी में भारत की प्रगति को दर्शाता है जो इसे इस क्षेत्र में अग्रणी देशों में से एक बनाता है। तो वहीं आपको बता दें दोस्तों, यूएनएससी का अस्थायी यानी कि टेम्परेरी सदस्य बनते ही कश्मीर चिल्लाया पाकिस्तान, लेकिन भारत ने जो जवाब दिया है, पाकिस्तान दोबारा हिम्मत भी नहीं करेगा। कश्मीर राग अल्लाह ने की आपको बता दें क्या जवाब दिया आपने भारत ने। दरअसल भारत ने बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बहस के दौरान पाकिस्तानी राजनयिक द्वारा कश्मीर पर की गई आधारहीन टिप्पणी को दृढ़ता से खारिज करते हुए इसकी निंदा की है। भारत ने इसे पाकिस्तान में बच्चों के खिलाफ जारी गंभीर उल्लंघनों से ध्यान भटकाने का एक और आदतन प्रयास करार दिया है। पाकिस्तान कुछ दिनों पहले ही 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का टेम्परेरी सदस्य नियुक्त हुआ है। इसके बाद से ही वो सुरक्षा परिषद के मंच का दुरुपयोग कर रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि आखिर अंतरिक्ष में कब तक फंसी रहेंगी सुनीता विलियम्स जी। नासा बना रहा वापसी का प्लान, आखिर क्या क्या है विकल्प वापस आने के? आपको बता दें, भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अपने सहयोगी बुच विलमोर के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS में फंस गई है। 13 जून को उन्हें पृथ्वी पर लौटना था। पृथ्वी से उन्हें अंतरिक्ष में ले जाने वाला विमान बोइंग स्टार लाइनर के जरिए ही वापसी होनी थी, लेकिन उसे तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिस कारण उनकी यात्रा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें दोस्तों कि इस पूरे मामले को लेकर स्पेस से उनकी वापसी के लिए नासा क्या क्या कदम उठा रहा है और क्या इस मामले में एलन मस्क की मदद लेनी पड़ सकती है। नासा को बता दें, मूल रूप से यह मिशन 9 दिन का होना था। विलियम्स और बिलमोर 13 जून को धरती पर वापस लौटने वाले थे, लेकिन अंतरिक्ष यान में हीलियम लीक और थ्रस्टर की खराबी सहित स्टार लाइनर के साथ कई तकनीकी समस्याओं के कारण उनकी वापसी की तारीख लगातार बढ़ाई जाती है। नासा ने 26 जून की वापसी की तारीख रखी थी, लेकिन बाद में इसे स्थगित कर दिया गया। बोइंग स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान वर्तमान में ISS से जुड़ा है और लंबे समय तक इससे जुड़ा रहने की क्षमता रखता है। दोस्तों बता दें, नासा और बोइंग टीम स्टार लाइनर के सामने आने वाली चुनौतियों को ठीक करने में लगी हुई है, लेकिन कई हीलियम लीक और थ्रस्टर में खराबी समस्या को सही करने की कोशिश सक्सेसफुल होती नजर नहीं आ रही है। इंजीनियर मूल कारणों को समझने और अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी के लिए सबसे सुरक्षित कार्रवाई का तरीका निर्धारित करने के लिए परीक्षण और सिमुलेशन कर रहे हैं। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने के लिए SpaceX यानी एलन मस्क के SpaceX के क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान की संभावना पर चर्चा की जा रही है कि एलन मस्क की इसमें मदद लेनी पड़ सकती है। हालांकि ये सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है सुनीता विलियम्स जी को सही सलामत धरती पर लाने के लिए दोस्तों आप लोग दुआएं जरूर करिएगा, भगवान से प्रार्थना करिएगा कि वो सही सलामत वापस आ सके। तो वहीं आपको बता दें, एक देश के पूर्व राष्ट्रपति को अमेरिकी जेलों में काट रहे होंगे 45 साल। आखिर किस मामले में हुई है इतनी सजा? बता दें, न्यूयॉर्क की एक अदालत ने बुधवार को होंडुरस के पूर्व राष्ट्रपति जुआन आर्लैंडो हर्नांडेज को 45 साल की जेल की सजा सुनाई है। इससे पहले उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में सैकड़ों टन कोकीन की तस्करी करने का दोषी पाया गया था। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, डिप्टी स्पीकर का भी पद रखेगी क्या NDA? इस नाम की है चर्चा, क्या विपक्ष कर सकता है बवाल? दरअसल ओम बिरला एक बार फिर लोकसभा के स्पीकर बन गए हैं, मगर डिप्टी स्पीकर का पद अभी भी खाली है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार डिप्टी स्पीकर की कुर्सी किसी विपक्षी नेता को नहीं बल्कि NDA अपने पास ही रख सकती है। ऐसा करके NDA अब तक चली आ रही परंपरा तोड़ देगी। वहीं NDA के इस रुख से सरकार और विपक्ष के बीच तकरार बढ़ने की संभावना है। ऐसा बताया जा रहा है कि सरकार के पास भी ऐसा करने की मजबूरी है क्योंकि उसे अपने सहयोगी दलों को खुश करना है। जी हाँ, ऐसी अटकलें हैं कि इस बार ये पद चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी को मिल सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में NDA के सत्ता में रहने के दौरान TDP के GMC बाल योगी स्पीकर थे और उसे ऐसी उम्मीद है कि अब ये पद उनके बेटे हरीश बाल योगी को मिल सकता है। ये कयास है दोस्तों, कोई कंफर्मेशन नहीं है। आपकी क्या इस पर राय है डिप्टी स्पीकर को लेकर, बताइएगा।
जरूर तो वहीं बता दें। जब दीपेंद्र हुड्डा को स्पीकर ओम बिरला ने लगा दी फटकार, कहा सलाह मत दिया करो, चलो बैठो बता दें। लोकसभा में कांग्रेसी सांसद दीपेंद्र हुड्डा को स्पीकर ओम बिरला ने गुरुवार को फटकार लगा दी और साथ में कह दिया कि किस पर आपत्ति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए इसकी सलाह मत दिया करो। कांग्रेस नेताओं ने स्पीकर ओम बिरला से तीखे सवाल किए। तो वहीं बता दें महाराष्ट्र में ओवैसी को लेकर बड़ी खबर, पूर्व सांसद ने की असदुद्दीन ओवैसी की सदस्यता खत्म करने की मांग, राष्ट्रपति को लिख डाली चिट्ठी। बता दें लोकसभा में फलस्तीन की गुणगान करने वाले AIMIM चीफ व सांसद असदुद्दीन ओवैसी को लेकर एक खबर सामने आ रही है। पूर्व सांसद नवनीत राणा ने ओवैसी की संसद सदस्यता खारिज करने की मांग की है। नवनीत राणा ने इसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में नवनीत राणा ने कलम 102 और 103 का हवाला देते हुए ओवैसी की सदस्यता रद्द करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण के दौरान AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के सांसद सदस्य के रूप में ओवैसी ने संसद में शपथ ली और अंत में जय फलस्तीन कहा, जिसके बाद सत्ताधारी पक्ष लगातार इस्तीफे की मांग कर रहा है, सदस्यता खत्म करने की मांग कर रहा है ओवैसी की। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत की जनता की क्या मांग है, देखते हैं कमेंट में क्या कहती है भारत की जनता। तो वहीं आपको बता दें इतना ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी के आवास पर फेंकी गई है स्याही। जी हाँ दोस्तों, इस मामले में ओवैसी का विरोध हो रहा है और उनकी सांसदी खत्म करने की मांग जिस प्रकार से की जा रही है, अब असदुद्दीन ओवैसी ने जानकारी दी है कि उनके दिल्ली स्थित आवास पर काली स्याही फेंकी गई है। दिल्ली पुलिस ने इस घटना के बाद मामला दर्ज कर लिया है और जाँच भी शुरू कर दिया, जिस पर ओवैसी ने कहा है कि मैं अब गिनती भूल गया हूँ। तो वहीं आपको बता दें संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण को मायावती ने बताया हवा हवाई, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को भी नकार दिया। जी हाँ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित किया है। राष्ट्रपति ने आपातकाल, नीट पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर अपनी राय रखी है। साथ ही 18वीं लोकसभा के सभी सांसदों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मायावती ने कहा कि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने भाषण में संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए जो केंद्र सरकार की पिछले 10 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई है वो जमीनी हकीकत में बहुत कम और हवा हवाई ज्यादा है। दोस्तों ये बोल है मायावती जी के, जो एक भारत देश के राष्ट्रपति के बयान पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रही है। आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों इस पर, बताइएगा जरूर। तो वहीं आपको बता दें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट महामंत्री चंपत राय ने दिया जवाब, कहा मंदिर के गर्भगृह में पानी टपकने की कोई समस्या है ही नहीं। जी हां, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने कहा है कि मंदिर के गर्भगृह में पानी रिसने की रिक्ति भर भी समस्या नहीं है, पर बिजली की तारों की निर्माणाधीन कंड्यूट यानी पाइप के रास्ते कुछ पानी भूतल पर जरूर दिखाई दिया था, जो कोई समस्या नहीं है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में छत से पिछले दिनों कथित रूप से बारिश का पानी टपकने की चर्चाओं के बीच जारी बयान में राय ने कहा कि उन्हें जहां भगवान रामलला विराजमान है वहां छत से एक भी बूंद पानी नहीं टपका है और ना ही कहीं से पानी गर्भगृह में प्रवेश हुआ है। ऐसे में दोस्तों आप लोग कमेंट में जय श्री राम कहना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो वहीं ये थे बिकी सारी बड़ी खबरें, आपको खबर कैसी लगी बताना मत भूलिएगा। लगे हाथों वीडियो को सामने लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर नए आए हैं, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको अपडेट मिलती रहे, और साथ ही साथ इस वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर पर, ताकि हर कोई इन बड़ी खबरों को सुन करके समझ सके कि अपने आप को कैसे समय के साथ ढालना है। तो वहीं दोस्तों मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, आप सभी का बहुत बहुत